एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में तहसील सभागार के पास स्थित कैंटीन में रोज 2000 लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है। यह किचन क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को ध्यान में रखकर और साथ ही दूर दराज के स्थानों पर जहां दुकानें कम हैं, संसाधन कम हैं, वहां के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कम्युनिटी किचन के माध्यम से लंच पैकेट व खाद्य पदार्थ मुहैया कराया जा रहा है। इस कम्युनिटी किचन में मुख्य रूप से नायब तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित अन्य लेखपाल कानूनगो ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सबसे अच्छा ये था अनुभव सर, और चीनी थोड़ा सा एकदम हल्का रहे, तीनों के देख रेख में सारा कुछ सभी बातें कितने चलेंगे पूछा देना। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, जितने भी हमारे आइसोलेशन सेंटर हैं, लगभग 288 आइसोलेशन सेंटर हैं हमारे तहसील में, जिसमें लगभग 1400 लोग आइसोलेशन में रह रहे हैं, क्वारंटाइन में रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सुबह शाम का भोजन वहीं से भिजवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी जो डिमांड हमें आती है, खासकर भोजन के लिए, जो स्लम्स में रह रहे हैं, जो कच्ची बस्ती में रह रहे हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उसके लिए वो 400-500 पर डे हम लोग लगभग भिजवाते हैं। तो यहाँ से लगभग 2000 के आसपास पर डे हम खाना सुबह शाम भिजवा रहे हैं। यहाँ पे लगभग हमारे नायब तहसीलदार नीलम हैं, तहसीलदार न्यायिक सुनीता, इनके देखरेख में सारा काम हो रहा है, और अमीन और लेखपाल लगभग 10 की संख्या में हमारे लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो मैस है, किचन है, उनके लगभग 10 लोग लगे हुए हैं, तो टोटल 25-30 लोगों का स्टाफ है पैकिंग करके और वहाँ तक पहुँचाने के लिए। नोबल कोरोना वायरस